इन दिनों बारिश की मार सब्जियों पर पड़ रही है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं लाल टमाटर भी 100 के पार पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं टमाटर का ये ठेला है और यहाँ पे लोग टमाटर जहाँ पहले किलो में खरीदते थे वहाँ ग्राम में खरीद रहे हैं। हम बात करेंगे कि मैडम टमाटर का दाम लगातार बढ़ रहा है, अब सीधा सीधा रसोई पर असर पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, रसोई महंगी हो रही है, कुछ सामान खरीद नहीं सकते। हाँ टमाटर महंगे, रसोई में हम अच्छे से खाना, आम आदमी के लिए अदरक महंगी है, 170 रुपए पाव है अदरक भी, तो रसोई पे मार पड़ रही है महंगाई की। लगातार सारी सब्जियों के दाम एक के बाद एक बढ़ते गए, तो कितना असर पड़ा आपको? एक एक मजदूर आदमी तो जी नहीं सकता, जीना बड़ा बेहाल है, और एक जो मीडियम वर्ग है वो भी बेहाल है, तो इसलिए खाना पीने के लिए तो अब मुश्किल हो रहा है। वैसे इतनी भीड़ पहले रहती थी आपके ठेले पर? आप भैया भीड़ कम है, तेजी की वजह से, तेजी का माहौल है भैया, बोला टमाटर मसाले का खराब हो रहा टमाटर बहुत। क्या लगता है कि पहले जो लोग दो दो तीन तीन किलो टमाटर खरीद लेते हैं वो 200-300 ग्राम ही खरीद के ले जा रहे हैं? एक पाव आधा किलो लेके जा रहे हैं। आज का क्या भाव है? आज का 100 रुपये टमाटर है, 50 रुपये किलो है, 120 रुपये किलो है। 50 रुपए किलो टमाटर है जो बिल्कुल सड़ा हुआ टमाटर है, लेकिन जो सही क्वालिटी का थोड़ा भी टमाटर है उसका दाम 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो है। देख सकते हैं बढ़ती महंगाई के कारण जो लोग पहले किलो में टमाटर खरीदते थे अब वो 200-300 ग्राम खरीद कर ही वापस लौट रहे हैं। ये पूरी सब्जी मंडी है जहाँ पर पहले भीड़ लगा करती थी, लेकिन अब सब्जियों के दाम आसमान छूने के कारण अब मंडियों में भी फीका फीका माहौल नजर आ रहा है। और भी जो खरीदार हैं उनसे बात करेंगे, कितना असर पड़ा सब्जियों की महंगाई पर? ये बहुत सब्जी महंगी चल रही है। कौन कौन सी सब्जी थी जो मतलब डेली यूज की खरीदने वाली थी, अब वो कितनी महंगी हो चुकी है? तोरी, भिंडी, सभी चीज महंगी है भैया। कितना कितना दाम सब्जियों पे लगभग लगभग हर बार बढ़ा है? 40-40 रुपए बढ़ गया। और तोरी कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो बिक रही है। इस वजह से मार्केट में थोड़ी बाजार में गिरावट आई है और तेजी आ गई गिरावट बाजार में? नहीं मतलब खरीदार कम दिख रहे हैं? नहीं खरीदार तो है ही, उतने ही कम है वैसे, थोड़ा बहुत तो खरीदार कम है पहले से। देख सकते हैं कि सब्जियों का ठेला है यहाँ पे, तोरी, गाजर, मूली, बैगन, खीरे, तमाम सब्जियाँ हैं, लेकिन बाजार में अभी खरीदार नहीं है क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बारिश के चलते लगातार बढ़ रहे हैं। जो रोज की सब्जी थी वो भी महंगी हो चुकी है। टमाटर खास तौर पर 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। अम्मा से बात करेंगे, अम्मा सब्जी महंगी हो गई? हाँ भैया बहुत महंगी हो रही। कौन कौन सी सब्जी थी जो रोज खरीदती थी और महंगी हो गई? सारी सब्जियां महंगी हो गई, तोरी महंगी हो गई, लौकी महंगी हो गई, सारी सब्जियां महंगी हो गई, आलू महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए भैया, सब्जी कोई सस्ती नहीं, सब महंगी है। एक तरफ जहाँ रोजगार अभी नहीं है लोगों के पास, काम नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की सब्जी लगातार महंगी हो रही है, तो कहीं ना कहीं रसोई पर आपकी फर्क पड़ रहा है? हाँ क्यों नहीं फर्क पड़ा भैया, जो 20 रुपया थी वो 40 बिक रही है, तो महंगा सारा फर्क तो पड़ेगा ही। एक खाता दो खाता था आदमी, एक ने खाना मुश्किल हो रहा है इस टाइम, क्या करें आप बताओ, खानी है ही। भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा मुकेश यादव है। सब्जी तो अलग बात है, दालें अगर खरीदने जाओ तो दाल भी, अरहर की दाल भी 150 रुपये किलो है, राजमा भी 150 रुपये किलो है, सस्ता तो कुछ है ही नहीं आज की तारीख में। देख रहे हैं कि टमाटर महंगे होने की वजह से अब टमाटर का जो पल्प बाजार में बिकता है बना बनाया, अब लोग उसे भी खरीद रहे हैं? हाँ वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है आज के डेट में, पल्प ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। कौन कौन सी सब्जियाँ जो खास तौर पर आप मतलब रोज खरीदते थे घर में, रोज बनने वाली कुछ सब्जी ऐसी हैं, आलू टमाटर तोरी, तो उनमें कितने दामों में वृद्धि हुई है? तोरी है, लौकी है, टिंडा है, करेला है, सबके दुगने से भी ज़्यादा भाव हो गए हैं। आज तोरी 100 रुपये किलो बिक रही है और लौकी जो है 50 रुपये किलो बिक रही है, जिसको घर के बच्चे खाते नहीं है उस सब्जी का ये हाल है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी में पड़ता है, लेकिन दाम एकदम से 100 के पार पहुंच गया उसका। ये देखो बारिश की वजह भी हो सकती है, थोड़ी बहुत बारिश में भी फसल जो है थोड़ी खराब हो जाती है, वो भी एक रीज़न है। भैया कौन कौन सी सब्जियां जिनके दाम मतलब पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं? सब्जियां तो जैसे टमाटर हो गया, लौकी, तोरी, टिंडा, इन सब पे ही बढ़ा है। लगभग कितने कितने दाम बढ़े हैं सब सब्जियों पे? डबल हो गए जी। देख सकते हैं ये गाजर है, गोभी है, बैंगन, खीरा, भिंडी, करेला, ये तमाम सारी सब्जियां हैं जो पिछले कुछ ही दिनों में जिनके दाम आसमान पहुंच गए। टमाटर जो 20 रुपए किलो बिक रहा था वो 125 रुपए किलो बिक रहा है। तोरई 20 से 60 हो गई, नींबू 60 से 80 हो गया, धनिया 10-20 रुपए किलो बिकने वाला अब 150 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 250 रुपए किलो, लहसुन 250 रुपए किलो, हरी मिर्च 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 50 रुपए किलो, तमाम ऐसी सब्जियां हैं जो दिन प्रतिदिन महंगी होती चली गई, लेकिन इसकी वजह से अब सब्जी मंडी जहां पे भयंकर भीड़ नज़र आती थी वहां अब खरीदार दिखने को भी तैयार नहीं है। और खरीदार हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बढ़ती महंगाई पे आखिर उनकी रसोई पे कितना फ़र्क पड़ा है। सर महंगी हो रही है लगातार सब्जियाँ, टमाटर अब 100 के पार पहुँच गया भाई, सब सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, खानी तो है ही, कंप्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते आप।
हम लोगों को आदत पड़ गई है, अगर कोई चीज़ सस्ती तभी खरीद लेते हैं तभी पैसे, और महंगी होती तभी रोते हुए लेना तो पड़ता ही है, क्योंकि किचन कैसे चलेगी बिना टमाटर के। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जैसे जो बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते, घिया तोरी, लेकिन अब उनके दाम भी 100-100 के पार पहुँचने हैं। क्या लगता है कि इस बारिश के कारण इन सब के कारण है, हर जगह बाढ़ आ रही है, इस वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो जैसी नॉर्मल होगी तो रेट भी डाउन जाएंगे इस पर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। देखिए सब्जी मंडी का नज़ारा ऐसा है कि जहाँ पर भीड़ सुबह से ही लग जाती थी, लेकिन अब बारिश के चलते जो सब्जियों के दाम लगातार महंगे हुए हैं उसकी वजह से जो सब्जी मंडी है वहाँ पे ग्राहक दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा है। ठेलों पर सब्जियाँ भरी भी जरूर नज़र आ रही हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण, सब्जियों की बढ़ती महंगाई के कारण अब बाजार में ग्राहक बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखना जरूर होगा कि जो 100 के पार एकदम से टमाटर के रेट पहुँचे हैं वो कब तक धीरे धीरे अपने उचित दाम पर आएंगे, क्योंकि लगातार महंगाई के कारण अब गृहिणियों की रसोई पर काफ़ी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विरोध कुमार के साथ विभु गुप्ता, जी मेरा।